बिलासपुर जिले के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के गांव बद्रोक में एक दिल दहला देने वाला मामला तब सामने आया जब 43 वर्षीय रामकृष्ण ने आपसी झगड़े के चलते अपनी पत्नी को जमकर पीटा और उस पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी और उसके बाद खुद भी जल गया। इस पूरी वारदात में उनकी 8 वर्षीय बेटी को भी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि कृष्ण करीब 2 महीने तक घर से बाहर रहने के बाद अपने घर पर आया था और घर पर आने के बाद सही तरीके से रह रहा था कि अचानक पत्नी कांता ने उनकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, जिस पर रामकृष्ण ने हथौड़ा उठाकर कांता देवी के सिर पर वार किया, जिससे कांता देवी के सिर पर काफी चोट आई व कांता देवी ने उसकी गोदली लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जिस पर रामकृष्ण ने अंदर का दरवाजा बंद कर दिया। बच्ची की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग तुरंत इकट्ठा हुए और दरवाजे को तोड़कर घर में घुस गए, जहां रामकृष्ण ने पहले से ही अपने और अपनी घरवाली के ऊपर पेट्रोल छिड़का हुआ था। तुरंत माचिस निकालकर आग लगा दी, जिससे दोनों पति पत्नी आग की चपेट में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। वहीं घायल बच्ची को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल घुमार में लाया गया, जहां उसका उपचार करके डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर घुमारवी थाना प्रभारी राकेश रॉय ने बताया कि मामले को लेकर हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है। आजकल एक ऐसी बुजुर्ग महिला का सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि हजारों फीट की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं है। बिलासपुर की रहने वाली 71 वर्षीय संतोष मिश्रा अपने बेटे का जन्मदिन मनाने परिवार सहित कुल्लू पहुंची, जहां केक काटने के बाद बुजुर्ग महिला ने पैराग्लाइडिंग करने की इच्छा जाहिर की। वहीं बुजुर्ग महिला की उम्र देखकर पैराग्लाइडर्स ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन संतोष मिश्रा के आगे किसी की भी ना चली और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पैराग्लाइडिंग की। वहीं संतोष मिश्रा के फ्लाइट लैंड करते ही ग्राउंड में मौजूद रहे लोगों ने उनका तालियों से स्वागत किया और उन्हें बधाई भी दी। वहीं संतोष मिश्रा का कहना है कि पैराग्लाइडिंग करके उन्हें बहुत मजा आया और ये पल उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। वहीं अभिषेक मिश्रा का कहना है कि उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी माता इतना सफल पैराग्लाइडिंग कर पाएंगी और उनके पैराग्लाइडिंग करने से पहले कई पर्यटक पैराग्लाइडिंग करने से घबरा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी माता की सफल लैंडिंग हुई तो कई पर्यटकों ने पैराग्लाइडिंग करने की इच्छा जाहिर की। वहीं अभिषेक मिश्रा ने उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए अपनी माता का दिल से धन्यवाद किया। कसौली में आयोजित खुशवंत सिंह लिट फेस्ट का लगातार विरोध हो रहा है। इस कार्यक्रम में साहित्यकारों की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा नेता इस मामले को संवेदनशील मानते हुए इसकी शिकायत पीएमओ तक पहुंचा रहे हैं, और जहां एक और हिंदू जागरण मंच ने कसौली में इसका विरोध किया, वहीं भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा ऐसे कार्यक्रमों को करवाने का मुख्य उद्देश्य संवाद और विचार विमर्श होता है और यही आज तक होता रहा है। उन्होंने कहा कि वे राहुल से यही गुजारिश करते हैं कि वो इस कार्यक्रम को इससे भी बड़े स्तर आयोजन करें, उनकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के अंदर संवाद की बात विवाद का कारण नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार उस कार्यक्रम में जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें हुई जिनके कारण कार्यक्रम के बाहर नारे लगाने तक की नौबत आई, वो बात उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि वे उन बातों में नहीं जाते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन वे चाहेंगे कि उनके प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हर वर्ष हो, इससे बड़े स्केल पर हो, लेकिन वो संवाद और विचार विमर्श रहे, उसमें कोई विवाद की बात नहीं आनी चाहिए।
धर्मशाला उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार को गति देते हुए चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के नेता पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिससे धर्मशाला में एकाएक राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के प्रचार में उतरने से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव प्रचार की कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने धर्मशाला में 2 चुनावी जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशी विशाल नेहरिया के पक्ष में जनसमर्थन जुटाया। जनसभाओं को संबोधित करने के पश्चात धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे वह आम चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो। उन्होंने कहा कि इसी के तहत आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। धूमल ने दूसरी राजधानी के प्रश्न को लेकर कहा कि कांग्रेस वाले कागजी सवाल करते हैं और कांग्रेस कागजी अधिसूचना जारी कर राजधानियां बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रैक्टिकल काम करके लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाती है। कांग्रेस द्वारा भाजपा के अब की बार 20,000 पार के नारे को कारगर साबित न होने के जवाब में धूमल ने कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता नहीं है, बल्कि ये चिंता है कि कांग्रेस कितने हजार वोटों से हारेंगे। इन्वेस्टर मीट को लेकर विपक्षी नेता मुकेश अग्निहोत्री के हिमाचल ऑन सेल के आरोप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वे सत्ता में थे तब भी कांग्रेस ने 2012 में ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन सेवानिवृत्त जस्टिस सूद की अध्यक्षता में बनाए गए इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जितने भी गलत कार्य पकड़े गए थे वे कांग्रेस के समय के थे। धूमल ने कहा कि बाद में जब 2012 में कांग्रेस सत्ता में आई तब कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को ही दबा दिया। उन्होंने कहा कि जो कार्य अभी हुआ ही नहीं उस पर इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं, और यदि कांग्रेस को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है तो कांग्रेस को ठोस मुद्दों पर बात करनी चाहिए, और ऐसी हवाई बातें करने से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं है।